इधर अभी वो आते हैं चेकिंग वाले, तो उनको ये बिल दिखा दो, तो ऐसे बुक करते हैं। सो गाइस अभी मैं बोल रहा था आपको जैसे कि इस व्लॉग में कि मेरी क्लास थोड़ा बोल रहा मीठा था मैं, लेकिन अब पिंक है लेकिन। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल इतेश मीना व्लॉग्स। सो गाइस अभी हमारी न्यू साइकिल स्टार्ट हो गई है, डेंटिस्ट्री स्टोमेटल हो गया, तो अभी उसकी आज दूसरी क्लास है। पहली क्लास के दिन तो ज़्यादा कुछ था नहीं, इंट्रोडक्शन वगैरह था टीचर का। सो गाइस अभी हम निकल गए हैं आज, थोड़ा ब्लैक ब्लैक माहौल में निकले। सैदे भाई ऊपर से आए, हाफ स्लीव्स पहन के आए, उन्हें नीचे बूट वूट लगा के, तो फिर मैंने भी ब्लैक डाल दी, ये सब भाई ने भी ब्लैक डाल दी, और ये ऋषिकेश भाई का थोड़ा अलग से है, वो अलग रहता है, थोड़ा ब्लू पैंट है ऊपर अलग है, जूते वाइट, उनको थोड़ा वो थोड़ा अपने में मस्ती वाले आदमी हैं। ठीक है गाइस अभी बस आने वाली है, निकलते हैं क्लास के लिए, बहुत छोटा ब्लॉग आने वाला है, कैसी होती है क्लास कैसी नहीं होती है। थंबनेल गाइस मेरा उस टीचर के साथ लेने का थोड़ा मन सा नहीं है, तो मैं कहीं और थंबनेल लेके आऊँगा आज अच्छा सा। फोन कर रहे लो गाइस, बस आ गई 41, बोल अगले स्टॉप पे बात, निकलते हैं अभी बस सब बस के अंदर। सो गाइस अभी बस में बैठ गए, ये रहा हमारा हॉस्टल। सो गाइस पे करने का ये सिस्टम होता है, ब्लूटूथ का भी होता है, फ़ोन के अंदर ब्लूटूथ भी आता है। सो ये देखो इसके अंदर ऐप ओपन करा तो ये 40 बस का नंबर आ गया, और यहाँ से 30 रुपये लिए लो ये आ गया। अब इसके अंदर अपना ये देखो ये बिल, इधर अभी वो आते हैं चेकिंग वाले, तो उनको ये बिल दिखा दो, तो ऐसे बुक करते हैं, ऐसे टिकट वगैरह लेते हैं। एंड यूसुफ भाई तो लौंडा लग रहा है आज। गाइस हमारे ऋषिकेश भाई को बस के अंदर ही नींद आ रही है, उसका माहौल देखो, आके देखो उसके पड़ रहा था। गाइस ये मेरे हर ब्लॉग में देख रहे हो कि बहुत पढ़ रहा है गाइस, इतना पढ़ना खराब है। डेंटिस्ट्री है ना आज क्लास, क्या क्या पढ़ा डेंटिस्ट्री का जो तुझे पढ़ा था गाइस? ऋषिकेश भाई पढ़ाई करते हैं, जय श्री राम जय श्री राम। ये जो बस गई पीछे 9 नंबर, उस बस में थे हम, तो अभी निकलते हैं, जा रहे हैं आगे चारों, और अभी तक कोई आया नहीं है। और गाइस अभी बढ़िया न्यूज़ हो रही है, अभी ग्रुप में देखा हमने खोल के, तो उसमें अभी टीचर ने जो हमारी क्लासेस है कल की और परसों की, दो दिन की जो क्लास है वो हॉस्टल में हेल्प करवा दी है, मतलब हॉस्टल में जो क्लास रूम है उनमें क्लास होती है, तो अभी हमको यहाँ पर नहीं आना पड़ेगा दो दिन। और वेनसडे का सर ने ऑफ दिया है, ऑलमोस्ट ये साइकिल अभी एंडिंग पे ही है, आज लास्ट डे हॉस्पिटल में, फिर कल दोबारा कल और परसों हॉस्टल में होगी। हमने मतलब ऐसा नहीं, टीचर से हमने रिक्वेस्ट की थी कि सर हम सारे एक ही हॉस्टल में रहते हैं, और जो टीचर हैं हमारे वो भी हमारे हॉस्टल में रहते हैं, तो उन्होंने बोला कि मैं ट्राई करता हूँ मंडे को, और उन्होंने आज आई थिंक ट्राई करा होगा, तो उन्होंने हाँ बोल दिया। सो बहुत अच्छा काम हो गया, अभी चलते हैं हॉस्पिटल के अंदर, आज लास्ट डे है तो हॉस्पिटल दिखा देता हूँ आपको डेंटिस्ट्री का। गाइज अगर हॉस्टल में क्लास होगी तो 10 बजे की क्लास है, तो हम 9:58 पे रूम से निकलेंगे, बिल्कुल जस्ट एक फ्लोर दो फ्लोर नीचे कोई रूम पे क्लास होती है, जो सुकून है ना वो इसमें ही है। अभी आ गए हम, सामने और भी बच्चे खड़े हैं, मैं बैक कैमरा करता हूँ। हेलो गाइज, ये यूसुफ भाई है, पेशेंट वगैरह आ रखे हैं, देखो आप डेंटिस्ट्री के पूरे। भाई बहुत बच्चों की क्लासेस वगैरह होती है इधर, सो गाइस टीचर ने कुछ नहीं बोला, क्लास में आ गए। मैंडिबुलर नर्व सिंपली फॉरवर्ड्स इंफीरियर अल्वियोलर मैंडिबुलर नर्व, ओके इन द लेसर पैलेटिन नर्व, इट इनर्वेट्स ऑल दिस एरिया। For first molar, we have to put it say exactly this. Okay. And while doing this, what do you anesthetize? What is blocked? The innervation of all teeth. All teeth. Okay. One more anesthesia injection. One more anesthesia where? In a inner surface. It is not enough also. So after that, you have to anesthesia. ओ
तो वैसे भी क्लास खत्म हो गई थी, क्लास से निकल गए, अभी हम आ गए बस स्टॉप पे। सो गाइस ये सामने इधर बस स्टॉप है, अभी यहाँ से जाएंगे और इधर लेफ्ट साइड में बस यहाँ पे उतरने का स्टॉप है और बस जाने के लिए अगर चाहिए तो सामने वाला बस स्टॉप है। सो गाइस अभी हम निकल रहे हैं, अभी एक स्पॉट पे जा रहे हैं, वहाँ पे क्या है अभी फ़ोटो वगैरह लेनी थी थोड़ी सी, तो फ़ोटो वगैरह ले लेते हैं। और बहुत एक अच्छा स्पॉट है तुवेर का, वो तो तुवेर का क्या स्पॉट है, इसका क्या नाम का? अरे तुवेर का वो लॉन्ज, लॉन्ज, लॉन्ज गाइस, तुवेर का लॉन्ज है स्टैचू, वहाँ पे जा रहे हैं अभी। और गाइस का समझे ये रूल्स को इतने पक्के है ना, रूल्स को लेकर के अभी बस सहदेव एंड मोमेंट पे था भाई, जानबूझ के इतनी रेस देता है ना कसम से, आज हम सहदेव को खो बैठते। क्या पकड़ रहा है? अच्छा अच्छा साफ कर रहे हैं। कैसा लग रहा है फिर डेंटिस्ट की क्लास खत्म हो गई? बहुत बढ़िया, मैं सोच रहा हूँ कि अभी डेंटिस्ट कर लूँ क्योंकि डेंटिस्ट में बहुत पैसा है और आसान भी है, आसान भी है पूरा मामला। डेंटाइन, सीमेंटम, पैलेटाइन, इन्फीरियर एल्वियोलर, देखो रशिया में डेंटिस्ट का बहुत स्कोप है, इसके लिए मैं अभी रशिया में रहने वाला हूँ और डेंटिस्ट करने वाला हूँ। आप यहाँ का माहौल देख ही सकते हो, बहुत अच्छा माहौल है गाइस। अभी सो गए, अभी उतर गए बस में से, अभी चल रहे हैं अभी सदे भाई की छोरे एनर्जी ड्रिंक वगैरह पीने की, लेकिन काफी दूर है अभी, रहने दो यार भैया, अभी तो उधर चलते, उधर से पी लेंगे, पहले घर की साइड जाएंगे ना, पी के चलेंगे पक्का। तो गाइस बहुत सहदेव भाई की बहुत इच्छा हो रही है, लेकिन अभी ऐसा है कि ज़्यादा लेट हो जाएंगे फिर, और दूर भी है थोड़ा। तो अभी देखो स्पॉट पे पहुंच ही गए बस, इधर वो देखो सामने वहीं जाना है, ये दिख रहा है आपको, ये देखो इधर ही जाना है बस, अभी वहाँ जाते हैं। सो गाइस ये देखो समर चल रहा है ना अभी, क्या प्यारा वेदर हो रहा है, हरियाली वगैरह। तो अभी यहाँ पे साइकिल्स वगैरह होती है जिसमें कि जैसे कि पूरा देखो चला सकते हो इसको तुम, इसका ऐप होता है एक वूश करके, उस पर तुम सब्सक्रिप्शन लेके नॉर्मली 30 रुपये का कुछ स्टार्टिंग है, इसको चला सकते हो, उन्हें सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। ये बहुत सही में वो मतलब वो बोलते हैं ना बर्फ से बहुत प्यारा वेदर है। गाइस देखो अभी ये अभी कोई नहीं है, अभी तो खैर यहाँ पे थोड़ी धूप है इस वजह से नहीं, बाकी यहाँ पे इवनिंग के टाइम में काफ़ी लोग आ जाते हैं और बहुत सही मतलब बोलते हैं ना बैठने के लिए बहुत सही जगह है। अभी थोड़ी धूप है ना, शाम को एक बार थोड़ा सा हल्का हो जाता है ना, उसके बाद बहुत प्यारे प्लेस है बैठने वगैरह के लिए। ये पीछे देखो ये स्पॉट है, ये वैसे ही मतलब कोई श्रद्धांजलि अर्पित कर रखी है, उसका स्पॉट वगैरह बना रखे है ये हजारे के फूल इंडिया की तरह। आ जाओ उधर लेते हैं। तो गाइस ये फोटो की फिराक में है, कहाँ लेनी है देखते हैं चल के, इतनी धूप में एक तो मन कम हो जाता है फ़ोटो लेने का, फिर भी देखते हैं कोई स्पॉट मिलता है तो वहाँ पर लेते हैं फ़ोटो। लो गाइस ये फोटो शूट यहाँ पे करा लिया, इतना ही था। सो गाइस ये देखो यहाँ पे भी कैमरे वैमरे लगे हुए हैं। और भाई क्या है यहाँ पे, क्यों जलती है भाई आग वगैरह ये इधर ये स्पॉट पे? अच्छा सो गाइस ये मतलब ये यहाँ पे ऐसा है कि ये लोग आके कॉइन डालते हैं इसमें। हाँ, और ये परमानेंट वाला, ऐसा नहीं कि ये सीजन रहता है कि ये सर मतलब स्नोफॉल, भारी स्नोफॉल रहता है लेकिन ये इधर आग जलती रहती है। हम लोग भी बहुत बार आ जाते हैं इधर, अब हम आते हैं हमारे हाथ वाथ सेकने के पर्पज से, लेकिन ये जलती किसी और रीजन से है गाइस। गाइस सही में बहुत सही वेदर हो रखा है अभी तो। सो गाइस अभी इतने दिनों बाद में ब्लॉग व्लॉग बनाना स्टार्ट करा, इंडिया में मन सा ही नहीं होता मतलब कहीं जाओ भी कुछ भी करो ना। सो पता नहीं क्यों ऐसा होता ही नहीं है बिल्कुल, कभी मन सा ही नहीं होता। अब यहाँ आते हैं तो यहाँ ऐसा होता है कि हाँ चलो बना लेते हैं, कुछ डाल देंगे यूट्यूब पे डाल देंगे, और देखते भी है देखो मैं डालने का जो मेन रीज़न है गाइस वो यही है कि देखते हैं लोग, ऑडियंस देखती है, आप लोग देखते हो व्लॉग वगैरह। अब ज़्यादा तो नहीं अपन ऐसा तो बड़े कोई ज़्यादा ब्लॉगर तो है नहीं, अपने 100-200 मिलियन व्यूज़ तो आते नहीं है, लेकिन ऐसा है कि अपने 500,000 व्यूज़ के आसपास आ ही जाते हैं नॉर्मल वीडियो पर, तो अच्छा लगता है कि हाँ देखते हैं बनाने के लिए अच्छा लगता है। मेनली जो वो थोड़े दिनों में बन के लिखा हुआ आ जाता है वो बहुत प्यारा लगता है, तो बस यही रीज़न है इस वजह से बनाते हैं। सो गाइस ये पुल देखो, ये पुल मतलब ये रिवर को क्रॉस करता है, ये जो वोल्गा रिवर है ये इधर से जो जा रही है, ये थोड़ा इसका पोर्शन इधर भी जा, इधर भी आगे कहीं तो भी कनेक्ट हो रही है, तो इस वजह से ये ब्रिज इसको कनेक्ट करता है। और ये काफ़ी प्यारा व्यू आता है मतलब कभी छाया वगैरह हो ना अच्छी खासी तो फोटो वगैरह खींच सकते हो। गाइस आप मछलियाँ देखो कितनी सारी मछलियाँ, ओए मछलियाँ देख कितनी सारी, गाइस ये देखो कितनी सारी मछलियाँ हैं। अरे कितनी सारी किनारे
सो गाइज अभी ले ली कुछ दो चार पांच फोटो वगैरह, इतना ज़्यादा अच्छी नहीं आ रही थी और क्लास भी हो चुकी है ख़त्म। सो गाइज अभी तीन दो चार दिन का ऑलमोस्ट रेस्ट चाहिए क्योंकि हॉस्टल में क्लास है तो फटाफट से नीचे जाएंगे एक दो घंटे क्लास लेके रूम में अपने। सो ठीक है गाइज, लाइक शेयर सब्सक्राइब हितेश मीना व्लॉग्स, और ऐसे ही छोटे छोटे इंटरेस्टिंग व्लॉग्स और सिटी एक्सप्लोर करने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। और वो देखो वीडियो कॉल पे आउटफिट वगैरह दिखा रहे हैं, और मैं कोशिश करता हूँ अगर ये व्लॉग मैं थोड़ा लेट डालूंगा, अगर इस व्लॉग को डालने में मेरे को चार पाँच दिन लग गए तो जो हॉस्टल की क्लास होगी मैं उसकी नॉर्मल क्लिप्स लेके इसमें ऐड कर दूंगा, इस क्लिप के बाद में ही ऐड करूंगा तो देख लेना, मतलब नॉर्मल क्लिप लूंगा पाँच पाँच सेकेंड की। सो गाइस अभी मैं बोल रहा था आपको जैसे कि इस व्लॉग में कि मेरी क्लास हॉस्टल में लगेगी, तो गाइस अभी खुद को मतलब ऐसे एमसीसी आ रही है ऐसे क्लास जा रहे हैं। टाइम क्या हो रहा है? 10 बजे 10 बज गए भाई गाइस 10 बज गए 1 मिनट 10 बजे क्लास 10 बजे के 1 मिनट हो गया, अभी तक कोई टाइम पे क्लास नहीं है, सबने हुई टी शर्ट पजामा वगैरह डाल रखा है, कोई किसी में कुछ भी चेंजेस नहीं है। दीक्षित भाई पजामा टी शर्ट, ये यूसुफ, ये सदेव, अभी वॉशरूम गया कसम से, मेरी और ऋषिकेश की सेम स्थिति है, सबने बोला अपडेट कर लो तो कर लिया। आगे क्या कहा आता है? कौन सा वाला सीन है? रशिया वाला, बराबर है। तेरे को आता है? आता नहीं। गाइस टीचर ज्यादा सीधा है तो भाई साहब बाहर ही चले गए, देखो कितना रिलैक्स खड़ा है। तो गाइस अभी क्लास खत्म हो गई थी हमारी, क्लास के बाद में हम निकल लिए थे ऐसे ही घूम के आते फॉरेस्ट की साइड। ये देखो सामने आपको ये फॉरेस्ट दिख रहा होगा, और गाइस हम गए थे ना, जब आपने मेरे व्लॉग्स में देखा होगा ये ब्रिज का काम चल रहा था, भाई इन्होंने स्टार्ट भी कर दिया व्लॉग, गाइस गाने चला रहे, स्पीकर वगैरह लाए साथ में, तरबूज खाने जा रहे हैं गाइस, तरबूज। गाइस हमारे पास क्या है, टाइम कम था, अथर्वा को 4:30 बजे जाना है तो फिर अभी हम जल्दी आ गए आज। गाइस अथर्वा की 4:30 बजे क्लास है गाइस, सुबह अभी आ गई है फैक्ट्री के आसपास। गाइस अथर्वा ने बहुत भारी तरबूज उठा रखा है भाई, मेहनती आदमी बेचारा, जल्दी जल्दी क्रॉस कर लेते हैं भाई फटाफट से, अभी ट्रेन आ गई तो फालतू में यूसुफ भाई की फोटो लगाना पड़ेगा। चला गया चांद का आसमां को छोड़, गाइस ये गाना हमारे वो भैया थे द्वारिका अभिषेक भैया, उन्होंने एक बार लगाया था तो हमने वहाँ देखा था। गाइस बाकी मेरे को एक चीज समझ में नहीं आ रही, मतलब तरबूज जो है ना हरे कलर का है और बहुत हैवी है, ऐसे ही टाइमिंग बढ़ानी पड़ेगी तो मतलब। और गाइस मतलब कुल मिला के अच्छा है तरबूज, कुल मिला के अच्छा है तरबूज की, होप सो तरबूज मस्त। गाइस अनबॉक्सिंग कर रहे हैं, देखते हैं अभी लाल निकलना चाहिए, लाल है भाई लाल है, जब तक चालू रख लेते हैं भाई अपना, वो उस टाइम भी बढ़ जाएगा थोड़ा सा। गाइस जैसे कि मेरे पुराने व्लॉग में आपने देखा होगा सहदेव का कलेक्शन के बारे में दिखा रहा था दूसरा पैंट, आज दूसरा देख लो उसका, वो इन नीचे से, अरे यार ठीक है अच्छा है, गाइस पिंक है, रशिया के तरबूज पिंक ही होते हैं गाइस, थोड़ा तरबूज पिंक है गाइस, ये थोड़ा मतलब लाल नहीं है प्रॉपर, नहीं वो लंबे वाले थे ना, थोड़ा खा के देख मिठाई का भाई, जो कहाँ गया पता नहीं किससे बात कर ली, ये देखो गाइस है कुछ नहीं लेने देने कुछ नहीं है, फिर भी दूर जाके बात कर रहा, कैसा है भाई? अच्छा है, कड़क है, थोड़ा कम मिठाई है, और दोस्तों को नहीं बुलाया अपन ने यार, किसको कम मिठाई भी खा लेते हैं, क्या बोल रहा है, पिंक है लेकिन। सो गाइस अथर्वा की हेयर स्टाइल तो आपने देख ली होगी पहले भी व्लॉग में, अभी देख लो भाई, अब देखो इसके क्या लंबे बाल है ना, तो टोपी लगाता है, तरबूज खा गए भाई, मेरे से तो नहीं खाया गया, ये सहदेव ने सल्टा दिया पूरा अकेले ने, नहीं भाई इतना भी नहीं, सदे भाई कलर वलर करो यार, अभी माहौल रशियन थोड़ा मतलब रशिया का जैसा रहो आप, ओ भाई इतनी देर का नहीं पिरा दे बस ऐसे डेमो के चक्कर में। और यूसुफ कब आ रहे हैं तेरे बच्चे, तुअर में मेरे बच्चे, ओ यार पूरा ये चेंज हो गया अपडेट।
लो गाइस अभी हम घर के लिए निकल गए थे तो ये सामने देखो वो फंस गए, मैं क्रॉस कर गया था और इधर ट्रेन आ रही थी तो ये रुक गए। ये देखो ट्रेन देख लो गाइस, ये इंडिया के हिसाब से हो रहे तो मालगाड़ी।